नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कर्नाटक में जिस तरीके से राजनीतिक या यूं कहें कि चुनावी का जो पारा है वो बहुत ऊपर पहुंच चुका है, जहां कर्नाटक में कांग्रेस अपनी अस्मिता बचाने के चक्कर में षड्यंत्र कर रही है या यूं कहें कि रणनीति अपना रही है, बचाने में लगी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए अपने दांव चल रही है। हालांकि कर्नाटक में कौन कौन से दांव बीजेपी के काम आएंगे और उन दांवों से क्या कर्नाटक की सत्ता को बीजेपी हथिया लेगी कांग्रेस से, बहुत बड़ी वजह है। हालांकि कर्नाटक में मौजूदा सरकार कांग्रेस की है और जब कहा जाता है कि विपक्ष पर निशाना सबसे ज़्यादा उसी पर साधा जाता है जिसकी सरकार हो, क्योंकि सरकार की जो मौजूदगी होती है उसमें निशाना बहुत अच्छी तरीके से साधा जा सकता है। यही चीज़ कहीं ना कहीं देखी जा रही है कर्नाटक में कि बीजेपी की सरकार तो नहीं है लेकिन कांग्रेस की सरकार में तमाम तरीके के घोटाले की जो खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी सिद्धारमैया के जिस तरीके से सिद्धारमैया पे अमित शाह भी घोटाले के आरोप लगाते हैं और पिछले दिनों तो सिद्धारमैया पर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने येदियुरप्पा पे ही आरोप लग गए लेकिन उनकी जुबान फिसल गई थी। आप अगर कर्नाटक में सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कर्नाटक में आपको पूरी तरीके से मौजूदा सरकार पर हमला बोलना पड़ेगा जैसा आप करते चले। बीजेपी का स्वभाव है, या बीजेपी ही नहीं कांग्रेस का भी यही स्वभाव है कि आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। अब आरोप प्रत्यारोप में बहुत सारी चीज़ें ये भी हैं कि वहाँ जो जो कांग्रेस के कार्यकाल में कमियां होंगी, जो जो घोटाले सामने आए होंगे, जिन जिन पर कांग्रेस ढीली पड़ी होगी उस पर विपक्ष या कहें कि बीजेपी जमकर आरोप लगाएगी। और सत्ता हथियाने के लिए राजनीतिक पार्टियां क्या क्या नहीं करती हैं, क्या क्या कुछ उनके जहन में आता है और कई षड्यंत्रकारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं और सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और ये तारीख जो है वो 12 तारीख को वोटिंग है और 15 तारीख को इसके रिजल्ट आएंगे। सियासी चरम पारा पर है और अगर आप बता दूं कि बीजेपी जमीनी स्तर पर तो मेहनत कर रही है, बीजेपी हालांकि जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही है लेकिन बावजूद इसके कई ऐसे फैक्टर हैं जो उसके पक्ष में जा सकते हैं। अब उन फैक्टरों को मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सबसे नंबर वन फैक्टर है, नंबर एक मोदी का जादू। अब नंबर वन मोदी के जादू में अगर मैं बताऊँगा तो कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता दिलाने में पीएम मोदी एक बार फिर से पार्टी के तुरुप के इक्का साबित हो सकते हैं, क्योंकि मोदी को भीड़ खींचने वाला नेता माना जाता है, ये इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि बोलने की जो क्षमता है, उनकी बोलने का जो स्पष्ट तरीका है, उनके जिस तरह के शब्दों से कहीं ना कहीं जनता उनके पास आती है। हालांकि जो जान जाते हैं कि क्योंकि इन्हीं जुमलों की वजह से, यानी कि जुमले होते हैं उनके भाषण में, इन्हीं जुमलों की वजह से कहीं ना कहीं उनको बदनाम आड़े हाथों भी लिया जाता है। आपको बता दूँ कि पीएम की वजह से ही 2013 में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी ने 2014 चुनाव में 28 लोकसभा सीटों में से 17 पर जीत हासिल की थी और उसे सबसे करीब 43% वोट मिले थे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में 2014 में जमकर चला था। अब नंबर दो पे जो चीज़ आती है वो नंबर दो पे येदियुरप्पा के सारे लिंगायत पर नज़र, क्योंकि
आपको बता दें कि कांग्रेस ने लिंगायतों के ऊपर जो है वो खेल खेल लिया है। लिंगायतों की यानी कि सिद्धारमैया ने लिंगायतों की बात सुनी, उनको अलग धर्म करने की कवायद भी शुरू कर दी है। तो जो लिंगायत बीजेपी का परंपरागत वोटर था, क्या वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा या फिर बीजेपी उसको संभालने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएगी? आपको बता दें कि प्रदेश में बीजेपी के पास संघ का एक मजबूत और बड़ा नेटवर्क है और जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने लिंगायत के, अगर लिंगायतों की बात की जाती है, तो बीजेपी के लिंगायत के कद्दावर नेता बीएस येदुरप्पा को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है और 2013 में येदुरप्पा की बगावत के चलते बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने येदुरप्पा को साथ मिलाया था। बीजेपी येदुरप्पा के सहारे लिंगायत समुदाय के वोट को अपने पाले में रखना चाहती है। अब जो नंबर तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अमित शाह की टीम 16। अब अमित शाह की टीम 16 क्या है, उसके बारे में अगर बताऊं तो प्रदेश में बीजेपी के पास संघ का एक मजबूत और बड़ा नेटवर्क है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि संघ जिस तरीके से उनका साथ देता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने 16 दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों की टीम को राज्य में लगाया है, जबकि 24 सांसद समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को भी चुनावी रणनीति के तहत खास जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौथा नंबर जो है, योगी के नाथ संप्रदाय पर भरोसा जो है वो बीजेपी बहुत जता रही है। हालांकि बीजेपी कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ को प्रचार करने के लिए भी भेज चुकी है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। नाथ संप्रदाय पर यकीन रखने वाले लोग नाथ संप्रदाय के महंत को भगवान का दर्जा देते हैं, यानी कि इन्हें महादेव का अवतार भी मानते हैं। कर्नाटक में इस संप्रदाय की जड़ें बहुत गहरी हैं, फैली हुई हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने योगी को इस संप्रदाय को साधने की जिम्मेदारी भी दे रखी है, बहुत बड़ी वजह। और नंबर पांचवा जो मुद्दा होता है, नंबर पांचवा मुद्दा ध्रुवीकरण की बिसात। कर्नाटक की सियासी जंग में जीतने के लिए ध्रुवीकरण की बिसात भी बिछाई जा रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस को टीपू सुल्तान का हितैषी बताकर मुस्लिम परस्त बताने में जुटी है, वहीं बीजेपी के कई नेता लगातार कर्नाटक में हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देने में जुटे हुए हैं। तो ये जो पांच जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकते हैं। हालांकि इन सब का गणित जो है वो जुटाने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। हालांकि कर्नाटक चुनाव बहुत अहम है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए तो इज्जत का सवाल बन जाता है, लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कर्नाटक चुनाव। राहुल गांधी के ही कहीं ना कहीं सियासत इसी चुनाव से तय होगी कि वो आगे क्या अच्छा कर पाएंगे। हालांकि आने वाले दिनों में कर्नाटक, राजस्थान विधान, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, और इन्हीं चुनाव के बल पर 2019 के जिस तरीके से चुनाव को देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से चुनाव पर बैठेंगे, या यूं कहें कि चुनाव किस तरीके से लड़ेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी की 2019 की चिंता जाहिर सी बात है। लेकिन जो पांच मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं कर्नाटक के जो राजनीतिक चहल है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि परिवर्तन इसलिए ला सकते हैं क्योंकि हम उस तरीके को बारीकी से देखते हैं। और अब कांग्रेस की सरकार मौजूदा रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या यूं कहें कि वहाँ जो, चाहे वो 16 टीम की बात हो, चाहे वो लिंगायतों की बात हो, हर किसी लेवल पर कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना काम करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने अपना काम कर लिया तो यकीन मानिए कि आने वाले 2019 में उनको कोई नहीं रोक सकता है। यही बड़ी वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एंगल से देखेंगे तो बहुत बड़ा एक खेमा है, एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और वो जिस तरीके की रणनीति बनाते हैं, जिस तरीके की
वो नींव रखते हैं इलेक्शन की, वो सबसे बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।